हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम टू सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल टॉक इन डिटेल अबाउट द डीएनलयू जबलपुर द धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर जो की है मध्य प्रदेश में सो यस गाइस यू कैन टारगेट द टू एन एनएलयू भोपाल वेरी फर्स्ट वन एंड दे आफ्टर यू कैन टारगेट द डी एन एल यू जबलपुर हालांकि काफी न्यू इंस्टीट्यूट है लेकिन यहाँ हम इन डिटेल बात करेंगे गाइज अबाउट इट विल टॉक अबाउट द कैंपस एंड इट्स फैसिलिटीज एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है सीट अवेलेबिलिटी क्या है कट ऑफ क्या होने वाला है वट आर द फी स्ट्रक्चर्स आईदर इट्स वर्थ इट और नॉट विल टॉक इन डिटेल एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट द प्लेसमेंट स्टैट्स यहाँ आपको क्या मिल सकते हैं सो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही कुछ कंटेंट मिलने वाले हैं क्ट द्लैट एंड इवन विस्पेक्ट ऑल द लीगल एंट्रेस एग्जाम सो वन प्रिप्रेशन इफ यू आर मुंबई बेस्ड यू कैन जॉइन अवर घाटकोर दर एंडली ब्रांच एंड इवन यू कैन इंट्रैक्ट लाइव विद जो भी आपके डाउट है यू कैन मी ऑन दिसकॉल नंबर डोट फॉर गेट टू डाउनलोड अवर एप वेर यू विट फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्स एंड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन चैनल के साथ स्टार्ट दर्मशास्त्र नेॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर विच इज नोन एज द डीएनएल जबलपुर आप कह सकते हो एन एल यू एम पी बट सेकंड वन स्टैब्लिश बाय द मध्य प्रदेश धर्मशास्त्रिटी एक्ट टू थाउजेंड एंड एटीन काफी लेट स्टैब्लिश हुई है कम टाइम में बहुत अच्छा रिपोर्ट इन्होंने ग्रैप किया है आप देख सकते हो उनके रिस्पेक्टिव कटॉप जो है वो काफी अमेजिंग जा रहे हैं क्योंकि इसे बेनिफिट मिल रहा है दी एन एल यू भोपाल का क्योंकि काफी सारे एमपी की जो स्टूडेंट है वो भोपाल में अगर एडमिशन नहीं ले पा रहेन दे आर मूविंग टू दी डी एन एल यू जबलपुर सो गाइज मध्य प्रदेश में ये सेकंड नंबर का लीगल इंस्टीट्यूट है आफ्टर भोपाल जिसे आप टारगेट कर सकते हो द जनरल काउंसिल इज द चेयर बाय द हॉनरेबल चीफ जस्टिस द चांसलर ऑफ डी जबलपुर अपॉर्चुनिटी टू चूज टू एनएल विद इन द स्टेट सो एम पी से होगा इस कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है यू कैन टारगेट फॉर द एनएलयू भोपाल एट द फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड वन द धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अब बात करते हैं इनकी रैंकिंग को लेकर सो डी एन एल यू इज रैंक ट्वेंटी फर्स्ट In India, among all national law universities approved by the BCI, UGC and MHRD, it offers various legal programs like B.L.L.B, L.L.M. and the Ph.D. So, guys, काफी सारे प्रोग्राम्स यहाँ आपको मिलेंगे एंड या yeah, अगर आपके माइंड में डाउट है कि भाई काफी नया इंस्टीट्यूट है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आगे हम बात करने वाले फीस को लेकर और प्लेसमेंट स्टार्ट को लेकर भी So, campus and facilities की बात करते हैं जबलपुर स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 125 एकर्स ऑफ लैंड एट विलेज पिपारिया एडजेसेंट टू द जबलपुर एयरपोर्ट सो गाइज अभी भी काफी अमेजिंग फैसिलिटीज है आप देख सकते हो अकेडमिक ब्लॉक्स है जहां कॉन्फ्रेंस हॉल स्मार्ट क्लासरूम्स लाइब्रेरी मूट मूटकोट हॉल लीगल एड क्लिनिक इंटर्नशिप सेल्स फोर्टीन रिसर्च सेंटर्स आदमी कैंटीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर एंड आउटडोर फैसिलिटीज भी है कनेक्टिविटी की बात करूँ दैन बस स्टॉप से बस दो किलोमीटर की दूरी पर है जबलपुर रेलवे स्टेशन से टू पॉइंट फाइव किलोमीटर की दूरी पर एंड एयरपोर्ट से फोर्टीन किलोमीटर की दूरी पर आप देख सकते हो जिमनाजियम की फैसिलिटीज़ है आउटडोर कैंटीन फैसिलिटीज़ इंडोर गेम्स कॉन्फ्रेंस हॉल्स एकेडमिक ब्लॉक्स स्टाफ क्वार्टर्स अमेजिंग सो सोइ ओवरऑल फैसिलिटी यहाँ मिलने वाली है वाईफाई इनेबल कैंपस भी है आप टारगेट कर सकते हो भाई फाइव इयर्स आप वहां इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए सो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है अमेजिंग है अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस को लेकर सो so, यहाँ आप बी का प्रोग्राम परसू कर सकते हो उसके लिए आपको क्लैट का एग्जाम देना होगा एलिजिबिलिटी कहती है कि भाई आप टेन प्लस टू पास आउट होने चाहिए फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो फोर्टी परसेंट एस सी से अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट हो मार्च और अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है फिर भी आप डिसंबर 2023 की एग्जाम दे सकते हो जो क्लैट है गाइज वो अब डिसंबर में शिफ्ट हो चुका है सो so, डिसंबर 2024 की अगर क्लैट देना चाहते हो दे सकते हो आपका जो ट्वेल्थ है वो मार्च और अप्रैल तक होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है एडमिशन प्रोसेस बाद में होता है देर इज नो अपर एज लिमिट मैक्सिमम मार्क्स की बात करूं देन 120 प्रीवियसली हुआ करते थे अब रिड्यूस हो चुका है गाइस सो so, काफी अच्छा टाइम है आपके पास वन मिनट फॉर वन पर्टिकुलर क्वेश्चन सो एक्यूरेसी अच्छी सी मेंटेन करनी है गाइज और एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तो वन में से आप इजिली एटी प्लस टू एव प्लस तक जा सकते हो और यहां इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को टारगेट करने के लिए आपको क्या स्कोर लाना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे सो फर्स्ट सेक्शन को लेकर बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज लीगल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निकल वन ट्वेंटी हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है इसे हमें ध्यान में रखना है अब बात करते हैं सीट्स और रिजर्वेशन को लेकर सो so, यहां जो सीट्स है जनरल कैंडिडेट को लेकर सेक्शन टेन परसेंट दैट इज ट्वेल्स सीट्स टोटल सीट्स फोर्टीन होरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें थर्टी परसेंट सीट्स आर होरली रिजर्व फॉर द विमन कैंडिडेट्स एंड फाइव परसेंट सीट्स आर होरली रिजर्व फॉर द स्पेशली एबल पर्सन दूडी कैंडिडेट एंड फाइव परसेंट सीट्स आर हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर द कैंडिडेट ऑफ एमपी डोमिसाइल अंडर द कैटेगरी सन ग्रैंड सन डॉटर ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ओके गाइज तो आपके पास रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए अगर आपको एडमिशन लेना है थ्रू द रिजर्व कैटेगरी या फिर जो भी रिस्पेक्टिव कोटा है उनके थ्रू ओके गाइज और ये जो डॉक्यूमेंट्स है गाइज एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी आपके पास होने चाहिए बस आपको ऑफिशियल साइट विजिट करनी है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है आपके टेंथ की मार्क्शीट आपके ट्वेल्थ की मार्क्शीट जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन कटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट दैट अब बात करते हैं ऑफ को, को लेकर जो आपका स्कोर होना चाहिए गाइस 78 टू 80 और जो सेफ रैंक होना चाहिए बिलो 1700 अब मैं बात करूं अगर जनरल कैटेगरी को लेकर ओपनिंग रैंक 1163 से स्टार्ट हो जाता है क्लोजिंग रैंक 1699 जनरल कैटेगरी फ्रॉम द मध्य प्रदेश वन टू नाइन टू

80 प्लस ताकि इजीली आपको सिर्फ फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट में ही एडमिशन मिल जाए दैट मीन इन द फर्स्ट राउंड ओके गाइज सो पुट योर हंड्रेड परसेंट एफर्ट टू क्लैट और क्लैट में कैसे प्रिपरेशन करना है गाइज यू कैन आस्क योर ओवरऑल डाउट्स एट दिस पर्टिकुलर नंबर एंड इवन यू कैन ज्वाइन अवर बैचेस एट बी एडुकेट अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर को लेकर सो टोटल जो फीस होने वाला है गाइज आपका टू लैक एंड नाइन्टी थ्री थाउजेंड हंड्रेड रुपीस सो so, आप इन्वेस्ट कर रहे हो एटलीस्ट ट्वेल्व लैक एंड फिफ्टी थाउजेंड फॉर फाइव इयर्स सो क्या ये आपको बेहतरीन प्लेसमेंट पैकेज दे सकता है देखो गाइज इंस्टीट्यूट 2018 में स्टैब्लिश हुआ है 2023 में बैच जो है वो पास आउट होंगी सो स्टैट्स जो है अभी भी अवेलेबल नहीं है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट जैसे स्टैट्स आएंगे गाइज विल मेक अनदर वीडियो सुन जहां हम प्लेसमेंट स्टैट्स को लेकर बात करेंगे लेकिन हाँ जो भोपाल के स्टैट्स है उससे थोड़ा कम जरूर होगा लेकिन अमेजिंग आपको स्टैट्स मिल सकते हैं आप यहाँ एट टू टेन लैख का पैकेज ग्रैप कर सकते हो क्योंकि गाइज देखो एनएलयू है सो so, आपको काफी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है यहाँ काफी सारे टाइप्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी टॉप रिक्रूटर्स यहाँ काफी सारे लीगल फर्म्स भी विजिट करते हैं सो प्लेसमेंट तो काफी अच्छा मिलने वाला है एंड डोंट वरी अबाउट द फी स्ट्रक्चर एट ऑल क्योंकि इनके काफी सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स भी है जिनका बेनिफिट आप उठा सकते हो अगर आप क्लैट की मेरिट में हो देन दे आपको जो ये ट्यूशन फी है वन लैक एंड टेन थाउजेंड यहाँ काफी हद तक वेव हो सकता है अप टू थर्टी परसेंट अप टू फोर्टी परसेंट डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट पॉलिसी सो आपको स्कॉलरशिप्स की जो पॉलिसी है उनको देखना है उनके लिए अप्लाई करना है तो आपकी फ़ीस कम हो सकती है एंड इवन इसका बेनिफिट आप अपने एकेडमिक ईयर में भी उठा सकते हो फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म करोगे तो सेकेंड ईयर में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी सेकेंड ईयर में करोगे तो थर्ड ईयर में सो सब्सिक्वेंटली ईयर में आपको जो स्कॉलरशिप्स है वो मिलती रहेगी बस परफॉर्म अच्छा करना है सो परफॉर्म वेल फॉर द क्लैट एंड आल्सो फॉर योर एकेडमिक ईयरस सो गाइज वो नारगेट द डी एन एल यू टारगेट क्लैट और क्लैट के प्रिपरेशन के लिए यू कैन जॉइन अस एट डोंबिवली घाट को पर एंड दादो फॉर ऑफलाइन प्रिपरेशन इन केस यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट यू कैन इंट्रैक लाइव विथ अस कॉल ऑन एट थ्री एट थ्री एट वन एट 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 डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर ऐप वेर यू विल गेट फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेज एंड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन अस ऑन यूट्यूब फेसबुक इंस्टा एंड टेलीग्राम दैट्स ऑल गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर सी ऑन नेक्स्ट वीडियो